भारत में दशानन रावण से तो हर कोई परिचित है, वैसे हिंदू धर्म में रावण को एक राक्षस के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि वह इतना शक्तिशाली था कि उसका वध करने के लिए खुद भगवान को मानव अवतार लेना पड़ा था। भगवान राम ने रावण का वध करके विश्व में यह संदेश दिया था कि हर परिस्थिति में सच्चाई की जीत होती है। आपको बता दें, श्रीलंका में वह स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी और जहां रावण के मरने के बाद उसका शव रखा गया था। इसके अलावा रावण से जुड़े ऐसे 50 स्थान ढूंढ लिए गए हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। गौरतलब है, श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध करवा कर उनकी ऐतिहासिक सिद्धि प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि इस योजना में भारत भी मदद कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि रेंगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा रेंगला के उन घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। आपको बता दें कि रेंगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से ज्यों का त्यों हुआ है। गौरतलब है कि मिस्र में प्राचीन काल में ममी बनाने की परंपरा थी जहां आज भी पिरामिडों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि उस समय शव सांप्रदायिक में समाधि देने की रस्म थी या नहीं। दरअसल रावण शैवपंथी था। इसके साथ ही रावण एल्ला नाम का एक झरना है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एल्ला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। वैसे यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है जिसे रावण एल्ला गुफा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्राबेला से 11 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा रावण के पुष्पक विमान से उतरने के स्थान और रामायण काल के कुछ हवाई अड्डे भी ढूंढ लिए गए हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।